हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ राजी। तो ये स्टोरी है एक स्पाई की, लेकिन इंस्पायर्ड बाय है हरिंदर सिक्का के नावल कॉलिंग सहमा। तो एक नावल की अडेप्टेशन के ऊपर मूवी बनाई गई है, और ये मूवी बनाई गई है 1971 के टाइम में, जब INS विक्रांत की लड़ाई हुई थी उससे कुछ समय पहले की ये मूवी बनी हुई है, यानी कि उससे पहले की टाइमलाइन की स्टोरी चलती है। तो सबसे पहले मुख्य किरदार में यहाँ पे आते हैं आलिया भट्ट, और उनका साथ दिया विक्की कौशल ने, और तीसरे जो एक्टर मेन है वह है जयदीप अहलावत, और उनके कुछ अन्य भी कलाकार हैं जैसे कि रंजीत कपूर, शिशिर शर्मा, सोनी रिजवान, अश्वंत भट्ट। तो ये सारे मुख्य कलाकार हैं जो उनके साथ देते हैं। तो आप ये मूवी में उनको सबको देखोगे। अब मैं सबसे पहले इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो मेघना गुलजार ने बड़ा ही अच्छा एक पोर्ट्रेट जो आपके सामने प्रेजेंट किया है एक स्पाई का, जो कि आलिया भट्ट ने किरदार निभाया है, वो बड़े ही प्यार से स्टोरी को उन्होंने मूव किया आगे 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 आगे। बड़ा ही अच्छा, जैसे अडेप्टेशन हम देखते हैं बुक्स की तो बड़ी अच्छी होती है, बुक्स से जो भी इंस्पायर्ड मूवीज होती हैं तो बहुत ही प्यारी मूवीज होती हैं। इस तरीके से इन डायरेक्टर ने भी बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को, हर एक फ्लो को अच्छे तरीके से मेंटेन करके उन्होंने मूवी बनाई है। और उन्होंने ये भी चीज़ का ध्यान रखा है कि जिस स्पाई की मूवी है, तो मुझे सबका नहीं पता लेकिन मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता रहता था यार ये ऐसा काम कर रही है, पकड़ी ना जाए, ये चीज़, जैसे कोई छुप के बैठी तो एकदम से कोई आ ना जाए, इसको पकड़ ना ले, स्पाई है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब बम्प्स चलते रहते हैं, मतलब हाइप्स चलती रहती है आपके अंदर भी, अभी पकड़ी ना जाए। तो इस तरीके से डायरेक्शन का काम काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अगर स्टोरी की बात करूँ तो इंडिया अकॉर्डिंग टू बुक इंडियन पाकिस्तान की कुछ हलचले नोट करने के लिए, यानी कि उनके बारे में जानने के लिए आलिया भट्ट को भेजते हैं पाकिस्तान में उनकी शादी करवा के। तो वहाँ पे वो जाके काफ़ी अच्छे तरीके से वेल ट्रेंड ऑफिसर तो नहीं है, उनको एक दो महीने की ट्रेनिंग मिलती है। वो आप जैसे मूवी के 10-15 मिनट में पहले बता देते हैं, तो इस तरीके से उनको ट्रेनिंग मिलती है, और उस ट्रेनिंग के साथ ट्रेंड होके ही आपको पता लग गया मूवी में कि वो किस तरीके से क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती हैं, इंडिया के पास कैसे कैसे वो मैसेज भेजती हैं टैप टैप कर करके। तो ये सारी चीज़ें आपको मूवी में देखने को मिलेंगी, स्टोरी के दौरान चलती रहेंगी कि कैसे 1971 INS विक्रांत से पहले क्या क्या इंडिया को क्लूज़ मिले फ्रॉम सहमत, वो आपको सब कुछ मूवी में देखने को मिलेगा, आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसने अपनी जान दांव पे लगा के, यानी कि हर वो काम किया ताकि वो अपने देश के लिए सब कुछ कर सके। उसने अपनी फैमिली की परवाह नहीं की, उसने अपने मतलब साथ वालों की परवाह नहीं की, उसके दिल में तो सब कुछ बसता है लेकिन सबसे पहले देश आ जाता है, इसलिए वो हर एक चीज़ उसको सेक्रीफाइस करके अपने देश के लिए पहला काम करना पड़ता है। तो मूवी में सबसे बड़ी खासियत एक और भी लगी कि मेरे खुद के शहर पटियाला शहर में काफ़ी ज़्यादा शूट हुई है, मेरे साथ वाले शहर नाभा शहर में मलेरकोटला में ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा शूट हुई है, जहाँ पे हम बचपन में खेलते रहते थे वो गलियाँ चलो अब बंद करके वहाँ पे होटल्स बन गए हैं, तो उन जगह पे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग देखने को मिलती है। तो अच्छा लगता है कि अपने घर के पास ही शूटिंग हो रही है और हमें पता भी लगता कि शूटिंग हो रही है। चलो ये दूसरी साइड की बात रही। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो काफ़ी चटपटी फिल्में आलिया ने करी हैं, और जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो बहुत ही सारी मूवीज़ ऐसी आती है जो चटपटी, जिसमें हंसी मजाक होता रहता है, जिसमें गप छप चलती रहती है, तो ऐसी मूवीज़ काफ़ी हैं। उड़ता पंजाब के बाद ये दूसरी मूवी है जो शायद सीरियस उन्होंने करी है। काफ़ी अच्छी एक्टिंग का उन्होंने नमूना दिया, काफ़ी अच्छा काम किया है। तो एक शॉट भी आता है कि जिसमें वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हंसते रहो, तो हंसते हुए आलिया भट्ट बोलती है मैं कितनी देर हंसती रहूँ, मेरे ना गाल दुखने लग जाते हैं। तो पहला मैसेज भी यही भेजती है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने मतलब अपना रोल पैदा किया है इस मूवी में, अपनी एनर्जी वैसी पैदा की है, उस तरीके से उन्होंने मेंटेन करके उसको दिखाया है एक्टिंग में सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा काम है। विक्की कौशल जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनकी बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हैं जो आई हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्टिंग का काम किया है, और उनके काम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडस्ट्री भी समझती है, तभी उनको अच्छी अच्छी मूवीज़ मिलती हैं। और उनके साथ जो जयदीप अहलावत हैं, जो कि आपने कमांडो मूवी में देखा होगा, वन मैन आर्मी AK-47 में विलन का रोल करता बंदा, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी एक्टिंग की है
उनका रोल स्टार्टिंग में थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का कम होता रहता था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा काम किया. ऑल ओवर सारे एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया. एक अच्छा एक्टिंग, एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा यानी कि डायरेक्शन, सब कुछ एक पैक होता है, तब एक अच्छी मूवी बनती है. तो ये राजी मूवी भी ऐसा ही एक नमूना है उस चीज़ का कि सब ने अच्छा काम किया. ये मैं इस मूवी को 3 स्टार दूंगा. अच्छी बनाई गई मूवी है, स्टोरी अच्छी है, फ्लो भी अच्छा चलता रहता है, और इसमें 2-3 गाने भी है जो कि एक दो तो चलो नहीं पता लगते, लेकिन ऐ वतन वाला जो गाना है अरिजीत सिंह ने गाया और ये बच्चे भी उसको कुछ गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वो गाना सुन के. तो देखिए मूवी, इन्जॉय कीजिए, 3 स्टार मूवी है. शायद लोग इतना ज़्यादा ना पसंद कर पाएँ क्योंकि सोलो एक्टर को लेकर ज़्यादा मूवी चलती नहीं है इस तरीके से, लेकिन फिर भी 100 करोड़ तक का बिजनेस को कर लेना चाहिए. तो आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए मूवी, आपको भी पता लगेगा कि क्या क्या स्पाई किस तरीके से अपनी जान दांव पे लगा के हमारे देश की सेवा करते हैं. जवान, मिलिट्री, नेवी, हर बंदा अपना रोल पूरा अदा करता है, उस तरीके से ये स्पाई भी अपना रोल पूरा अदा करते हैं. तो मेरा रिव्यू देखने के लिए शुक्रिया जी. इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मुझे, ट्विटर पर फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच.